अनोखा मंदिर जहाँ चूहों के झूठन ही है प्रसाद। क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में माता का एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ पर 20,000 चूहे रहते हैं और मंदिर में आने वालों भक्तों को चूहों का झूठा किया हुआ प्रसाद ही मिलता है। यह है राजस्थान के ऐतिहासिक नगर बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित करणी माता का मंदिर, जिसे चूहों वाली माता, चूहों वाला मंदिर और मूषक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आगे पढ़े माता के मंदिर की स्थापना के बारे में। करणी माता, जिन्हें की भक्त माँ जगदम्बा का अवतार मानते हैं, का जन्म 1387 में एक चारण परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम रिघुबाई था। रिघुबाई की शादी साठिका गांव के केपोजी चारण से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उनका मन सांसारिक जीवन से ऊब गया, इसलिए उन्होंने केपोजी चारण की शादी अपनी छोटी बहन गुलाब से करवाकर खुद को माता की भक्ति और लोगों की सेवा में लगा दिया। जनकल्याण, अलौकिक कार्य और चमत्कारिक शक्तियों के कारण रिघुबाई को करणी माता के नाम से स्थानीय लोग पूजने लगे। वर्तमान में जहां यह मंदिर स्थित है, वहां पर एक गुफा में करणी माता अपनी इष्ट देवी की पूजा किया करती थी। यह गुफा आज भी मंदिर परिसर में स्थित है। कहते हैं करणी माता 151 वर्ष जिंदा रहकर 23 मार्च 1538 को ज्योतिर्लिंग हुई थी। उनके ज्योतिर्लिंग होने के पश्चात भक्तों ने उनकी मूर्ति की स्थापना करके उनकी पूजा शुरू कर दी, जो कि तब से अब तक निरंतर जारी है। क्या होता है इतने चूहों का मंदिर में रहने से? आश्चर्य की बात यह है कि इतने चूहे होने के बाद भी मंदिर में बिल्कुल भी बदबू नहीं है। आज तक कोई भी बीमारी नहीं फैली है। यहाँ तक कि चूहों का झूठा प्रसाद खाने से कोई भी भक्त बीमार नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, जब आज से कुछ दशकों पूर्व पूरे भारत में प्लेग फैला था, तब भी इस मंदिर में भक्तों का मेला लगा रहता था और वो चूहों का झूठा किया हुआ प्रसाद ही खाते थे। जानिए अपनी मनोकामना कैसे पूरी करें। यदि हम चूहों की बात करें तो मंदिर के अंदर चूहों का एक छत्र राज है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही हर जगह चूहे ही चूहे नजर आते हैं। चूहों की अधिकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंदिर के अंदर मुख्य प्रतिमा तक पहुंचने के लिए आपको अपने पैर घसीटते हुए जाना पड़ता है, क्योंकि यदि आप पैर उठा कर रखते हैं तो उसके नीचे आकर चूहे घायल हो सकते हैं, जो कि अशुभ माना जाता है। इस मंदिर में करीब 20,000 काले चूहों के साथ कुछ सफेद चूहे भी रहते हैं। इस चूहों को ज्यादा पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि यदि आपको सफेद चूहा दिखाई दे गया तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जानिए क्या विशेषता है यहाँ की। इस मंदिरों के चूहों की एक विशेषता और है कि मंदिर में सुबह 5 बजे होने वाली मंगला आरती और शाम को 7 बजे होने वाली संध्या आरती के वक्त अधिकांश चूहे अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। इन दो वक्त चूहों की सबसे ज्यादा धामा चौकड़ी होती है। यहाँ पर रहने वाले चूहों को काबा कहा जाता है। माँ को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को पहले चूहे खाते हैं, फिर उसे बांटा जाता है। चील, गिद्ध और दूसरे जानवरों से इन चूहों की रक्षा के लिए मंदिर में खुले स्थानों पर बारीक जाली लगी हुई है। कहाँ से आए इतने चूहे? करणी माता मंदिर में रहने वाले चूहे माँ की संतान माने जाते हैं। करणी माता की कथा के अनुसार एक बार करणी माता का सौतेला पुत्र, उसकी बहन गुलाब और उसके पति का पुत्र लक्ष्मण कोलायत में स्थित कपिल सरोवर में पानी पीने की कोशिश में डूब कर मर गया। जब करणी माता को यह पता चला तो उन्होंने मृत्यु के देवता यमराज को उसे पुनः जीवित करने की प्रार्थना की। पहले तो यमराज ने मन किया, पर बाद में उन्होंने विवश होकर उसे चूहे के रूप में पुनर्जीवित कर दिया। हालांकि बीकानेर के लोक गीतों में इन चूहों की एक अलग कहानी भी बताई जाती है, जिसके अनुसार एक बार 20,000 सैनिकों की एक सेना देशनोक पर आक्रमण करने आई, जिन्हें माता ने अपने प्रताप से चूहे बना दिया और अपनी सेवा में रख लिया।